नमस्कार, मैं मीनाक्षी ठाकुर। आप देखना शुरू कर चुके हैं डेमोक्रेटिक वायर का खास कार्यक्रम सियासी किस्से। सड़कें सुनसान हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी, ये पंक्तियां हैं हमारे देश के समाजवाद और आंदोलनकारी महान नेता राम मनोहर लोहिया जी की। सियासी किस्से के खास एपिसोड में आज हम आपको बताएंगे राम मनोहर लोहिया जी के जीवन के उन किस्सों के बारे में जो वाकई अद्भुत है। राम मनोहर लोहिया जी का जन्म 23 मार्च 1910 को फैजाबाद में हुआ था। उनके पिताजी हीरालाल पेशे से शिक्षक और हृदय से सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उनके पिताजी गांधी जी के अनुयायी थे। जब उनके पिता गांधी जी से मिलने जाते तो राम मनोहर लोहिया जी को भी अपने साथ ले जाया करते थे। इसके कारण गांधी जी के विराट व्यक्तित्व का उन पर गहरा असर हुआ। महज 8 साल की उम्र में लोहिया जी अपने पिता के साथ साल 1918 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल होने के लिए गए। बनारस से इंटरमीडिएट और कोलकाता से स्नातक तक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए लंदन के स्थान पर बर्लिन का चुनाव किया था। वहीं जाकर उन्होंने मात्र 3 महीने के अंदर जर्मन भाषा पर अपनी मजबूत पकड़ बनाकर अपने प्रोफेसर जोम्बार्ट को चकित कर दिया था। उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि केवल 2 वर्षों में ही प्राप्त कर ली थी। जर्मनी में 4 साल बिताने के बाद डॉक्टर लोहिया अपने देश भारत वापस लौटे और अपनी जिंदगी को सुविधाओं के साथ आराम से जीने के बजाय आज़ादी की जंग में कूद पड़े। साल 1933 में मद्रास पहुंचने पर लोहिया गांधी जी के साथ मिलकर देश को आज़ाद कराने की लड़ाई में शामिल हो गए। इसमें उन्होंने विधिवत रूप से समाजवादी आंदोलन की भावी रूपरेखा पेश की। साल 1935 में उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पंडित नेहरू ने लोहिया को कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया। साल 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और संघर्ष के नए शिखरों को छुआ। डॉक्टर लोहिया मानव की स्थापना के पक्षधर समाजवादी थे। वो समाजवादी भी इस अर्थ में थे कि समाज ही उनका कार्यक्षेत्र था और वो अपने कार्यक्षेत्र को जनमंगल का अनुभूतियों से महकाना चाहते थे। वो चाहते थे कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच कोई भेद, कोई दुख, कोई दुराव और कोई दीवार न रहे, सब जन समान हो, सब जन का मंगल हो। उन्होंने सदा ही विश्व नागरिकता का सपना देखा था। वो एक इंसान को न केवल किसी देश का बल्कि विश्व का नागरिक मानते थे। जनता को वो जनतंत्र का निर्णायक मानते थे। डॉक्टर लोहिया अक्सर ये कहा करते थे कि उन पर केवल 2.5 आदमियों का प्रभाव रहा, एक मार्क्स का, दूसरा गांधी का और आधा जवाहरलाल नेहरू का। साल 1946 से साल 1947 के बीच लोहिया की जिंदगी के अत्यंत निर्णायक सालों में रहे। आज़ादी के समय उनके और पंडित जवाहरलाल नेहरू में कई मतभेद पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से दोनों के रास्ते अलग हो गए। बाद के दिनों में 12 अक्टूबर 1967 को लोहिया का 57 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह गए। राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि जिंदा कौमें सरकार बदलने के लिए 5 साल तक का इंतज़ार नहीं करती, वो किसी भी सरकार के गलत कदम का फौरन विरोध करती है। आज के सियासी किस्से के एपिसोड में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नए रोचक सियासी किस्से के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।